देख तेरे शासन की क्या हालत हो गई भगवान, वीरान में पड़ा है वीतराग भगवान, वीरान में पड़ा वीतराग भगवान। देख तेरे शासन की क्या हालत हो गई भगवान, देख तेरे शासन की क्या हालत हो गई भगवान। तू तो पड़ा वीरान, तू तो पड़ा बड़ा वीरान। वीतराग जिन प्रतिमा अपने दुर्दिन गिन रही है, देखिए ये हालत है। ये हालत हमारे कारण से हुई है और कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं डाले कि वो हमारी जैन विरासत संभाल सके। इसलिए हे वीतरागी देव, आज आप इस हालत में हो, लेकिन प्रतिज्ञा लेते हैं हम आपको ज्यादा दिन इस हालत में नहीं रहने देंगे। देखो भगवान कल्प वृक्ष में बैठे हैं, निजे देव देवी रक्षा कर रहे हैं। ये देखिए अद्भुत शांति के धारक भगवान, और ये अद्भुत शांति के धारक भगवान की दुर्दशा, इनकी दुर्दशा तो समझ में आती है, लेकिन ये दुर्दशा हमारे समझ में नहीं आती है। ये देखिए समोशरण में का प्रतीक, ये फिर दुर्दशा। ये देखिए देख तेरे शासन की क्या हालत हो गई भगवान, तू तो बड़ा चुपचाप पड़ा इंसान। इस तरह ये म्यूजियम में बंद प्रतिमाएं हैं, ये देखो प्रतिमा, ये बंगाल की निर्ममता की कहानी है। बंगाल में किस तरह निर्दयता से जैन दर्शन को रोंदा गया होगा। ये सब हमारी उदासीनता का परिणाम है। अभी आया ना, चुपचाप तू तो फिर भी है चुपचाप। ये देखिए बोलो वीतराग जिन प्रतिमा की जय हो जय हो जय हो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। परषण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। ये पूरा परिसर है, देखिए और अब हम चलते हैं, म्यूजियम बंद हो गया क्या? अब हम चलते हैं म्यूजियम की तरफ, म्यूजियम की तरफ चलते हैं, जहाँ ऐसी ऐसी प्रतिमा है आपके दर्शन का इंतजार कर रही है। आओ मुझे देखो एक बार, मैं यहाँ कैसे वीरान में अपने दिन गिनती हूँ। क्या कभी आपने सोचा था? ये भगवान कह रहे हैं हमसे, क्या सोचा है? मैं अनंत शांति का निमित्त और हिंसा का निमित्त बनी हुई हूँ। ये देखिए ये भाई हैं यहाँ पर, पूरी देख रेख करते हैं और शायद इनको लकवा भी है, लेकिन आपको बहुत धन्यवाद, आप इसकी रक्षा करते हो, बहुत बढ़िया। ये देखिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। बंगाल में
जहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कोई जैन भी होंगे, लेकिन यहाँ 14 लाख जैन हैं जो सराक कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। देखो भगवान के केशों की जटाएं नीचे आ रही है, देखिए आप। ओहो देखो भगवान की क्यों कितनी सुंदर प्रतिमा, देखो किस तरीके से भगवान की जटाएं और भगवान की जटाएं बनाई है। कभी इस जगह पर काजल जी भगवान महावीर विचरते होंगे, हाँ। कभी इस जगह पर पार्षद भगवान विचरते होंगे, कभी इस जगह पर द्विविधनी कीर्ति होगी, लेकिन आज आश्चर्य है हमारे उदासीनता के चलते इन भगवान के निमित्त से बकरों की बलि चढ़ती है। ये भगवान ऐसे दिन ना आए। चलिए हम इसी कड़ी में अगले मंदिर को भी आप ले चलते हैं, वहाँ जाए दिखाते ले। ये वो शिखर बंद, ये वो शिखर बंद मंदिर है जहाँ चल रहे हैं अभी। ये प्रतिमा, ओहो बोलो वीतराग जिनराज की जय हो, वीतराग भगवंतों की जय हो। ये एक मंदिर, ये दूसरा मंदिर, ये दूसरा मंदिर है। निरखो अंग अंग, ये आदिनाथ भगवान की, सुखमाल जी ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। देखिए कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, लेकिन आश्चर्य की बात है देखो उन प्रतिमा के आगे क्या स्थिति है। देखो गोलियां दवाएं रखी है, एक थाली रखी है, एक बाल्टी रखी है। ये वीतराग प्रतिमा की स्थिति है। जो वीतराग प्रतिमा अनंत शांति की जन्मदाता है, वो प्रतिमा आज एक जेल में बंद अपने अंतिम दिन गिन रही है। सोचो क्या हाल होगा इस जैन विरासत का। और ये बड़ का वृक्ष देखिए, लाखों साल पुराना लगता है। देखिए और मजबूरन मुझे घास के ऊपर चलना पड़ रहा है, लेकिन इस जैन विरासत को देखे बिना मन भी नहीं भरता है। देखिए अब हम जा रहे हैं दूसरे शिखर पर। भगवान भी कहते होंगे देख मेरी प्रतिमा की हालत क्या हो गई इंसान, बड़ा है बेईमान, मेरे निमित्त से बकरे की बलि चढ़ती फिर भी तू क्यों चुपचाप है इंसान, आज तेरे ही कुकर्मों का फल भोग रही है भी तेरा प्रतिमा, क्यों चुपचाप है तू इंसान। ये भगवान महावीर की लगभग 7 फीट प्रतिमा है और इसके सामने ये बैसाख और सावन महीने के बीच में यहाँ बकरे की बलि चढ़ती है। आप देख लो ये त्रिशूल लगा हुआ है, थोड़ा आगे देख लो सुखमान जी ये त्रिशूल लगा हुआ है, ये देखो भगवान की तंबू लगी, देखो ये देखो ये घंटी बांध रखी इन्होंने। और देखो वीतराग प्रतिमा को बलि का निमित्त बना के यहाँ असंख्य बलि बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। सोचो जिस वीतराग प्रतिमा से अनंत शांति का जन्म होता था, आज
वही पुतला के नीचे बकरों की बलि चढ़ रही है। वो बकरे भी सोचते होंगे, हे भगवान, इन भगवान को जल्दी इससे यहाँ से हटा दो ताकि हमारा मरना बंद हो। हे भगवान, आपसे भी निवेदन है, जाओ आप यहाँ से जल्दी से, कहीं उड़कर चले जाओ, कहीं वापस जमीन के अंदर चले जाओ, ताकि आपके निमित्त से ये बकरों की बलि न चढ़े। समस्त जैन समाज से निवेदन है कि ऐसे दिन मत आने दो कि विपराग प्रतिमा के निमित्त से जहाँ अनंत शांति का जन्म होता है वहाँ पर कोई बलि चढ़े। हर जैन समाज के उन माँ बाप से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इतने संस्कार दे, इतने संस्कार दे कि कोई प्रतिमा भूलकर भी हिंसा का निमित्त न बने। आज हम जहाँ खड़े हैं ये बंगाल का पुरुलिया जिला है, और पुरुलिया जिला का भी ये पाक वीरिया पूंछा थाना ये पूंछा थाने के अंतर्गत आती है, और ये पाक वीरिया नाम की एक जगह है जहाँ पूरा ये ग्राउंड आप देख लीजिए, ये भगवान यहाँ पर खड़े हैं, भीग रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, मात्र एक दिन आएगा जब यहाँ बकरों को मार दिया जाएगा। ये देखो पूरा पूरे सब विशाल परिसर है, विशाल परिसर में एक एक बिल्कुल शिखर बंद मंदिर है।